दिस इज़ मी श्वेता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ग्लिट्स विद श्वेता। तो बहुत दिनों के बाद मैं आप अपना ये वीडियो है मेरी नायका की समर सेल हॉल के बारे में, जो कि मुझे बहुत दिनों से मैंने अपने विश लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते 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 वो चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हो गई और ये नायका की समर सेल हॉल का ही मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी, क्योंकि इसमें जो भी अमेजिंग ही आती है। तो इसका वेट करते करते मैंने अपना विश लिस्ट भी तैयार कर लिया था, और क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों की बहुत नीड हो गई थी और मैं सोच रही थी कि सेल कब आए और कब मैं उसे परचेस करूं, तो इसमें तो गाइस मैं सिर्फ वही चीज़ों का रिव्यू दूंगी जो चीज़ें मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूं, और जो चीज़ें अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है उसकी छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने रखी है। वो चीज़ों का मैं कोई चॉइस था वो बहुत ही बेस्ट था, और जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैंने टॉप रेटिंग की ही ली है। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ें कोई परचेज़ नहीं की है कि जो अच्छी नहीं होंगी और आपको कोई उससे फ़ायदा ना हो। तो आप पूरा वीडियो मेरा ज़रूर देखिए गाइस, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी ही अमेजिंग चीज़ों के बारे में पता लगने वाला है। वो अच्छी खासी लिस्ट मेरी तैयार हो गई थी, जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे सामान मैंने ऑर्डर किए हैं, शॉपिंग भी मैंने की है गाइस। वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अपनी इस वीडियो में। तो ये दिस इज़ माई फर्स्ट परचेजिंग गाइस, जो कि है आइकॉनिक का कलर। की खासियत ये होती है गाइस कि आपके बालों को कभी भी डैमेज नहीं करेगा। ये सेरेमिक प्लेटेड होता है और इसकी ग्रिपिंग भी बहुत ही अच्छी होती है, जो बिल्कुल हीट नहीं। गाइस ये 3500 का था गाइस, जो कि मुझे सेल में 2975 में मिल गया था, जो कि बहुत ही अच्छी डील थी। अब इसका प्राइस था 1500 गाइस, जो कि मुझे 1275 में मिल गया था। तो लेकिन ये मैंने इसे भी यूज़ करके देखा है ऑलरेडी, मैंने अपना एक मेकअप इसे डन किया है, एक ब्राइड को तैयार किया हुआ है इसी क्रिम्पर की यूज़ से। तो ये अपना काम बखूबी करता है, आप इसे आँख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। अगर ये 1200 का है तो 1200 का काम ये करता है गाइस। और जहाँ आप 7000 का क्रिम्पर खरीदोगे तो ऑब्वियसली 7000 और 1200 में आपको फ़र्क तो लगेगा ही, पर फिर भी मैं ये बोलूँगी कि इसने अपना काम बिल्कुल भी कम नहीं किया है। तो गाइस इसके बाद से जो मैंने प्रोडक्ट तीसरा नंबर का यू लिया है वो है जस्ट हर्ब का एक चिक टिंट। आप देख सकते हो गाइस ये जस्ट हर्ब का चिक टिंट मैंने खरीदा है जिसका प्राइस है 626 ऑफ़र में, और इसका ओरिजिनल प्राइस था 695। तो गाइस इस पर मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ़र तो नहीं मिला था, 40-50 रुपये का ही बस मुझे ऑफ़र मिला था। तो जो भी चीज़ें ब्रांड की होती है ना, आप उस पर बहुत ज़्यादा ऑफ़र एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आप जैसा देख सकते हो गाइस ये कलर बहुत ही सुंदर था, ये पीची कोरल कलर था, जो कि मैंने अभी अपने चिक्स पे ऑलरेडी यही यूज़ किया है कि आप लोगों को पता चल सके कि ये कैसा काम की पिगमेंटेशन है। आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी है, जब इसको आप यहाँ पे लगा के देख सकते हो, ये पीछी कोरल इसका पिगमेंट है। ये मैंने अपने चिक्स पे भी ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो ये आपके स्किन को बिल्कुल हाइड्रेट रखेगा गाइस 5 to 6 आवर। स्किन टाइप के लिए होता है, आप इसे अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, चिक्स पे कर सकते हो, आई शेडो एज ए आई शेडो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मल्टी यूज़ के लिए आप कह सकते हो, और ये सबसे बड़ी बात ये क्रुएल्टी फ्री होता है गाइस। से इसलिए भी ले लिया कि आजकल बहुत क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, तो एज अ लिप बाम भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, और सिर्फ डैब करके आप इसे बहुत ही नेचुरल सा लुक देखिए, आप बहुत ही नेचुरल सा लुक आपको ये देगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है गाइस, 695 का था और ये 626 का। मत जाओ, अच्छी चीज़ें हैं तो आप आँख बंद करके उस पर इन्वेस्ट करना सीखो। जी मैंने एक हेयर प्रोडक्ट ही ख़रीदा है, जो कि ओएसएस का ये हेयर स्प्रे है, ये शाइन हेयर स्प्रे है गाइस, जो कि इसकी प्राइसिंग है 1000, जो कि मुझे 10% डिस्काउंट पे 900 का मिल गया था। ये कोई और इसकी सबसे अच्छी बात कि ये नायका पे 5 out of 5 रेटिंग पे ये प्रोडक्ट था, तो मुझे भी देखना था भाई कि इसमें ऐसा क्या ही है। और पहले मैंने कोई शाइन स्प्रे यूज़ नहीं किया था, पर गाइस ये बहुत ही अच्छा है, आपके ये बालों को ना जो फ्रीजीनेस है वो दूर करेगा इंस्टेंट आपको शाइन बालों में। जैसे मैं आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ, देखिए आप यहाँ के बालों को देखिए और बाकी बालों को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये इंस्टेंट आपके बालों को शाइन दे। तो गाइस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका आपको बहुत इंतज़ार होता है, उसमें से ये चीज़ है मेरी, जो ये था, ये मामा का ब्रॉन्ज़र था, जिसका मैं बहुत वेट कर रही थी कि ये कब आएगा, इसे मैं कब। ये है एक ब्रॉन्ज़र और ब्लशर मुझे बहुत ही पसंद आते हैं गाइस। तो ये एक ब्रॉन्ज़र था, इसे भी आप लग्जरी ब्रॉन्ज़र कह सकते हो, जो बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा इस करते हैं और यूज़ करते हैं गाइस। ये ट्रैवल साइज़ ब्रॉन्ज़र है, इसमें बड़ी साइज़ भी आती है, पर मैंने इसे अभी छोटा ही मंगाया था, क्योंकि ये कॉस्टली भी होता है गाइस। इसकी प्राइसिंग है 950 और ये मुझे सेल में
तो आप इसको देख सकते हो गाइज, ये बहुत ही लग्जरी है, मुझे बहुत मन था क्योंकि अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट इसको यूज़ करके रिकमेंड करते हैं गाइज, ये बहुत ही अच्छा है। बहुत हार्श लाइन आपके फेस पे नहीं देगा कि ये बहुत हार्श लाइन दे रहा है आपके फेस पे। ये एज अ ब्रॉन्जर बहुत किया था, ये था डॉट एंड की का डे एंड नाइट क्रीम गाइज, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी और बेटर बनाने के लिए कुछ अच्छा ख़रीद लेती हूँ, तो ये दोनों चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं। अभी तक मैंने इसे यूज़ करके छोटा सा वीडियो ज़रूर डालूंगी, और जिसमें से कि ये डे क्रीम है ये ग्रीन वाला, और ये नाइट, क्योंकि मुझे दोनों अराउंड 1400 समथिंग का मिल गया था और इसकी ओरिजिनल प्राइस 1900 समथिंग है बोथ दोनों की। अलग से ये है 945 का और ये है 845 का। तो मैंने बताया गाइस कि मैं बिल्कुल भी सनस्क्रीन टाइप नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसे अभी यूज़ करने के लिए ले लिया है कि ये कैसा काम करता है। ये न्यूट्रोजेना का क्रीम है, न्यूट्रोजेना का अल्ट्रा सी ड्राई टच सन ब्लॉक, SPF 50 है गाइस इसमें, तो ये आपको फेस को बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो ये एज अ सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो। तो इसकी भी रिव्यू बहुत ही अच्छा था नायका पे कि ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो गाइज, जो मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट ख़रीदा है वो ये है सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है गाइज, ये बहुत ही अच्छा है। मैं एक्चुअली इस वीडियो को बनाते बनाते इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने यूज़ कर ली है, तो ये बहुत ही अच्छा जाएगा आपके ऑल स्किन टाइप पे जाएगा, क्योंकि ये मेरा स्किन थोड़ी कॉम्बिनेशन ड्राई ही है, तो ये मेरे स्किन को पूरे दिन हाइड्रेट करता है। अगर मैं अपने फेस पे कोई वाटर ना डालूं तो ये पूरे दिन तक काम करता है, और आप अपने फेस को बिफोर मेकअप, तो ये सारे स्किन के लिए है गाइस, तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसकी प्राइसिंग थी 465, और अगेन ये बहुत ज़्यादा ऑफ़र में आपको नहीं मिलेगा, जितनी भी चीज़ें हैं ना इस पर कभी भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र नहीं आता है गाइस, तो ये 419 का मिला था मुझे, तो बहुत ऑफ़र नहीं था, पर ये मैंने यूज़ कर लिया है, ये बहुत ही अच्छा काम। और उसके बाद से मैंने जो परचेस किया है गाइस, ये O3 का प्रोफेशनल O3 डिटैक्स यूज़ कर चुकी हूँ अपने फेस पे गाइस, ये तुरंत का तुरंत आपके इंस्टेंट आपके जितनी भी टैनिंग है फेस की उसे रिमूव कर, कल्टी फ्री है गाइज, आपके फेस को बहुत ही अच्छे तरीके से नरिश करेगा, आपके इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो आएगा और डलनेस दूर करेगा, टैनिंग को दूर करेगा। तो ये मैं बहुत ही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ले सकते हो टैनिंग को रिमूव करने के लिए अपने फेस के लिए। इसी गाइज 1550, और ये कभी आपको कोई ऑफर में बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आप इसे आग बंद। इस जो मैंने परचेस किया है गाइज वो ये है O3 का ब्राइटनिंग का फेशियल किट है गाइज, जो 4 स्टेप है इसमें। इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 4 स्टेप दिए हुए हैं, इसमें क्लिंजर है, फिर क्रीम है, फिर स्क्रब एंड देन मास्क। अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये अपनी मम्मी के लिए मैंने इसको मंगाया 110। जब मैं उनके ऊपर यूज़ करूँगी तो आपको पूरा रिव्यू दिखाऊँगी गाइज, इस प्रोडक्ट का मैं शॉर्ट वीडियो करके आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कैसा ये काम है। इन ग्लॉट का काजल, ब्लैक कलर काजल, जिसको जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही इसे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इन ग्लॉट का काजल गाइज, तो मुझे भी ये चाहिए था, मुझे भी बहुत दिनों से मन था। और इसका प्राइसिंग है गाइज अच्छी खासी इसकी प्राइस होती है, मुझे ऑफ़र में 1350 में मिल गया। सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि ये जितना क्रीमी होता है मतलब ईजी टू यूज़ है, अगर आप कोई भी काजल यूज़ कर रहे हो तो क्रीमी होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपसे ईजिली वो लग जाएगा, लेकिन अगर लग जा रहा है बहुत अच्छे से क्रीमी है फिर वो फैलने का बहुत चांसेस रहता है कि बहुत जल्दी वो फैल जाएगा। लेकिन इसमें सबसे है कि जितना ये क्रीमी है उतना फास्ट ड्राइंग है, तो आप जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं आप इसे ख़रीदो और ट्रस्ट करो कि ये अमेजिंग काम करता है। जितनी भी, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं यूज़ करूँगी, मैंने भी बहुत सारे काजल यूज़ किए हैं, पर ये अच्छी है गाइज। ये है बायोटिक का रोज़ वाटर जो कि 220 का था और मुझे 116 में मिला, बहुत अच्छा था। और इस बाकी रोज़ वाटर का क्या काम है आप सबको पता ही होगा कि रोज़ वाटर कितना अच्छा आपकी स्किन को टाइट करता है, स्किन ब्राइट करता है, हेल्दी करता है आपकी स्किन को, आप इसे सुबह शाम यूज़। चीज़ जिसका मुझे बहुत इंतज़ार था, दिस वन गाइज, ये है मेरी लग्जरी शॉपिंग। और ये है इसका, मैं क्योंकि शॉर्ट वीडियो डाल चुकी हूँ, इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी थी गाइज। ये है होला का ब्राउन्जर और इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा था। इसका शॉट आपको उसे वहाँ से ओपन करने का था तो वो मैं डाल दिया है। इस तरीके से इसकी पैकेजिंग आएगी गाइज, ये आप देख सकते हो ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। और इसमें भी आपको पैकेट मिलेंगे, इसका बहुत ही अच्छा इसका गाइज, यही है इसके पिगमेंटेशन जो था बहुत ही अमेजिंग था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई लग्जरी प्रोडक्ट ख़रीदो तो उसकी बड़ी पैकेजिंग ही लो, क्योंकि उस तरीके से फिर आपको मेरी तरह पछताना नहीं पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं बड़ा ख़रीदा, क्योंकि अच्छा पिगमेंटेड है गाइज। क्योंकि जब सब मेकअप आर्टिस्ट बता रहे हैं तो मतलब कोई बात है इसमें, और ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है गाइज।
जो इसका छोटू सा ब्रश दिया है गाइस, ये आपको प्रॉपर शेप में आपके में जो प्रोडक्ट है उसको लगाएगा गाइस। तो सारी चीज़ें ना इसकी, एक तो पिगमेंटेशन मस्त, और ऊपर से इसका जो ब्रश है वो भी बहुत ही अमेजिंग सा है। तो आप ज़रूर इसका बड़ा प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। मैंने परचेस किया है, बहुत सारी लग्जरी शॉपिंग मैंने की है गाइस। दिस इज़ मैक का NC32, दिस हाइलाइटर एंड दिस लिपस्टिक। और उससे भी बड़ी बात कि जब मैंने ये सारी शॉपिंग की उसके साथ मुझे ये फ्री मिला गाइस, और फ्री मिली। और उससे भी बड़ी बात कि ये दोनों सेम कलर मुझे मिल गए गाइस। एक फ्री था और एक जो मैंने परचेस किया पता रहता तो वो परचेज ही नहीं किया रहता। मैंने परचेस किया है गाइस वो है PAC का आईब्रो डिफाइनर 95, जो कि ऑन MRP मिला था मुझे। इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला था। इसमें ये चार तरीके से आपको आईब्रोज़ के कलर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ गाइज़। ये मिक्स पास से जो मैंने परचेसिंग की थी गाइज़, वो है पीस लोअर लेस मस्कारा की प्राइसिंग थी 545, जो कि मुझे बिल्कुल भी कोई ऑफर में नहीं मिला था गाइज़। और ये बहुत ही मतलब मैंने अभी तक जो नॉर्मल मस्कारा होता है, लेकिन ये मस्कारा एक्चुअली आपके लोअर लैश के लिए ही काम करेगा, और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा गाइस। इसका रिव्यू मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोअर लैश के लिए अभी तक कोई पर्टिकुलर अलग से मस्कारा नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे, ये बहुत ही मैट फिनिशिंग का है और आपका ये इस तरीके से है गाइज, आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर। दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा गाइज। आप देखिए, इसे मैंने नहीं लगाया, उसमें मैंने लगाया, इसमें आपको डिफरेंस तुरंत पता चल जाएगा। ये एक्चुअली लोअर लैश के लिए ही बना हुआ है, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट। इसके बाद से जो मैंने परचेस किया है गाइज, वो ये है लॉरियल का कंसीलर, बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसका ओरिजिनल प्राइस होता है गाइज 799, जो कि मुझे ऑफर में 512 का मिल गया था गाइज। बहुत ही अच्छा ऑफर था नायका पे एक्चुअली। और सबसे अच्छी बात होती है कि ये इजी टू ब्लेंड होता है गाइस, आप इसे डेली यूज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पूरा आपको 24 घंटे तक ये आपको फुल कवरेज देगा कंसीलर के यूज़ में। डेली फाउंडेशन लगाने वाले नहीं हो तो आप इसे यूज़ करके इजी टू गो जा सकते हो। ये फुल कवरेज है गाइस, इजी टू यूज़ है, मैट फिनिश देगा बिल्कुल भी, और लाइट वेट है ये बिल्कुल। और इसका नंबर था 312। ये इंडलजियो के प्रोडक्ट इस नायका की सेल से ऑर्डर किए थे, जो कि इंडलजियो के बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किए हैं गाइस नायका से। ये है पोर मिनिमाइज़र मिस्ट है गाइस, टोनिंग 300, और ये मुझे 225 का मिल गया था गाइस। मैंने अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है, जैसा कि आप देख रहे हो कि ऑलरेडी पैक्ड है, तो मैं इन सब का यूज़ करने के बाद से एक ज़रूर वीडियो बना के आपको दिखाऊँगी। इसका सिरम गाइस, जिसका बहुत ही मैंने बहुत ज़्यादा ही बड़ाई सुना हुआ था, और तब मैंने इसे अराउंड 1240 एक्चुअली, और जो कि मुझे सेल में 930 का। और इसके बाद से मैंने परचेज़ किया था ये ब्रो 810, जो कि मुझे ऑफ़र में 607 में मिल गया। नेक्स्ट था ये रोज़ गोल्ड का ऑयल, जिसका ओरिजिनल प्राइस था गाइस अराउंड 600, जो कि मुझे 450 का मिल गया था। तो मैं इसे भी यूज़ करके आपको ज़रूर बताऊँगी, और इसकी पैकेजिंग आप देखिए। कैंडी 10 पैक मंगाया है, ये मैंने किसी को गिफ्ट करने के लिए मंगाया है गाइस। ये बहुत ही अच्छा था, किसी ने मुझे रिकमेंड किया था कि आप इसे परचेस करो, ये बहुत ही अच्छा है। तो ये अराउंड 600, जो कि मुझे 450 का मिल गया था। सो गाइस, दैट्स ऑल माय 425 सामान थे जो कि मैंने परचेस किए थे अपने इस हॉल में। अराउंड 25K मैंने स्पेंड किया है। भी प्रोडक्ट थे गाइस, वो उसका रिव्यू जिसके मैं दे चुकी हूँ वो बहुत ही जेन्युइन है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और इसके बाद से जिसका मैंने रिव्यू अभी तक नहीं दिया है, उसका जल्दी मैं रिव्यू बना के अपने चैनल पे डाल दूँ। स्टे ट्यून गाइज फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें शॉर्ट वीडियो में मैं अपने ज़रूर बहुत सारी रिव्यू डालने वाली हूँ, जो प्रोडक्ट मेरे रह गए हैं, और उसके अच्छे अच्छे रिव्यूज़ डालूंगी, जिसके नहीं होंगे उसके नहीं भी डालूंगी। सी यू, बाय बाय गाइज़।